इस्लामिक देश में 27 एकड़ में बन रहा हिंदू मंदिर। बट द रियल चेंज इज व्हेन डिफरेंट कल्चर्स डील विद ईच अदर मोर रेस्पेक्टफुली मोर इक्वली मोर फेयर एंड फॉर मी दैट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ दैट व्हाट वी कॉल रीबैलेंसिंग एज वेल। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले देशों को ये खबर कांटे की तरह चुभेगी। द नोबिलिटी ऑफ सेंटीमेंट ऑन द अबू धाबी सेट दैट दे हैड स्पेस इन द थॉट्स एंड इन द माइंड्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हिच एनकरेज देम टू एक्चुअली पार्टनर विद अस। हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले देशों को ये खबर बहुत बुरी लगेगी। हिंदुओं पर अत्याचार को देखकर खुश होने वाले अब नाखुश होंगे, क्योंकि दुबई के बाद अब अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर पूरे होने के अंतिम दौर में चल रहा है। मुस्लिम देशों में जिस स्तर पर हिंदू मंदिर बन रहे हैं, इसका कारण भारतीय कूटनीति को ही माना जाना चाहिए। 27 एकड़ में फैला ये हिंदू मंदिर कई मायनों में नफरती ब्रिगेड को कांच की तरह चुभेगा। अबू धाबी में बन रहा ये मंदिर जहां स्थानीय हिंदुओं को खुशी दे रहा है, वहीं भारतीयों को गर्व से भर रहा है। मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है और कहा जा सकता है कि हिंदू श्रद्धालुओं का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर के विशेष निमंत्रण पर 30 से ज्यादा देशों के राजदूतों और राजनयिकों ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर यानी स्वामी नारायण मंदिर परिसर का दौरा किया। राजदूत सुधीर ने राजदूतों का स्वागत किया और उन्हें 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखने के बाद से मंदिर की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंदिर भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधन के प्रतीक के रूप में पहचाना जाएगा। ये मंदिर शांति, सद्भाव, सहिष्णुता और सह अस्तित्व का प्रतीक है। हिंदू मंदिर परियोजना की अगुवाई कर रहे ब्रह्म विहारी दास स्वामी के साथ बातचीत में दूतों को मंदिर की विशेषताओं के बारे में भी बताया गया। अगर बात करें हिंदू मंदिर की, तो यूएई में जो सबसे पहला हिंदू मंदिर बना था वो साल 1950 में बना था। उस दौरान वहां की अथॉरिटी की ओर से मंदिर के लिए तकरीबन 15 एकड़ भूमि दान स्वरूप दी गई। वो मंदिर भारत और इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन एग्जाम्पल था। अबू धाबी की धरती पर बन रहे स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता हर दिन भव्य आकार ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 फरवरी 2018 को अबू धाबी में बन रहे मंदिर का भूमि पूजन किया था। यूएई सरकार ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए 20,000 वर्ग मीटर जमीन दी। इस मंदिर को करीब 900 एकड़ की लागत से बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि इस मंदिर का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।